नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। कंगाली पर खड़ा पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। वहां की आवाम महंगाई से त्रस्त है। देश चलाने के लिए पाकिस्तान के पास जरूरी संसाधन नहीं है, लेकिन इतना बुरा हाल होने के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत अपनी आवाम को झूठ का सपना दिखाना नहीं भूलती। इस बार पाकिस्तान ने अपने झूठ की फैक्ट्री से निकाला है एक और झूठ। पाकिस्तान को लगता है कि कोहिनूर हीरा उसका है और ब्रिटेन को उसे वापस कर देना चाहिए। जी हाँ, वही कोहिनूर हीरा जो कभी भारत की आन बान शान हुआ करता था, लेकिन आज अंग्रेजी हुकूमत ने कब्जे में ले रखा है। बहुत लंबे समय से भारत ब्रिटिश हुकूमत से कोहिनूर हीरा वापस मांगने की मांग कर रहा है, लेकिन अब झूठा पाकिस्तान भी इस रेस में आ गया है। गुरुवार को पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल। वैसे तो फवाद चौधरी ट्वीट में कर रहे थे जलियांवाला बाग की निंदा, फिर उन्होंने अचानक से कोहिनूर हीरे का मसला खड़ा कर दिया। फवाद चौधरी ने अचानक कोहिनूर हीरे का मसला उठा दिया है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि ब्रिटिश सरकार को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से माफी मांगनी चाहिए। ये ब्रिटेन के मुंह पर कलंक है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन को कोहिनूर हीरे को पाकिस्तानी म्यूजियम को सौंप देना चाहिए, जहां उसकी सही जगह है। वैसे ये बताना जरूरी है कि ये पहली बार नहीं हुआ जब पाकिस्तान ने कोहिनूर हीरे पे हक जमाया है। पाकिस्तान के इस अनमोल हीरे को हड़पने की नियत है। उसने इस मुद्दे पर पाकिस्तान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें, इस साल 2016 में लाहौर हाईकोर्ट में इस मसले पर सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया। कोहिनूर हमेशा से भारत का था और भारत का ही रहेगा। वैसे यहाँ ये कहना जरूरी है कि कोहिनूर कोई आम हीरा नहीं है जिसके लिए भारत इतने लंबे समय से अंग्रेजी हुकूमतों से लड़ रहा है। कोहिनूर दुनिया के सबसे नायाब हीरों में से शुमार है। 108 कैरेट का कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी में मिला था। 1849 में अंग्रेजों ने कोहिनूर पर अपना कब्जा जमा लिया था। वर्तमान में कोहिनूर हीरे की प्रदर्शनी टावर ऑफ लंदन में की जाती है। वैसे कुछ लोग ऐसा भी दावा करते हैं कोहिनूर हीरा 500 साल पुराना है, लेकिन उस समय भी उसका अस्तित्व भारत बताया गया है। वैसे हर सरकार कोहिनूर को भारत लाने की कोशिश कर रही है। अब पाकिस्तान को ये समझना होगा, जब से वो भारत से अलग हुआ है उसका हिंदुस्तान की किसी संपत्ति पर कोई हक नहीं है, और ऐसा दावा करके वो दुनिया से झूठ बोल रहा है। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करके साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।